सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद रानी की सराय ने निजामाबाद अधिवक्ता हॉल में मीटिंग कर सामूहिक शौचालय की घोषणा की। अधिवक्ता संघ में दौड़ी खुशी की लहर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने बताया, निजामाबाद अधिवक्ताओं और आम जनता की समस्याओं को देखते हुए अधिवक्ता संघ के लिए सामूहिक शौचालय दे रहा हूं। बता दें, शौचालय की देखरेख के लिए सफाई कर्मी की नियुक्ति की बात प्रमुख ने किया, जिसे 6000 प्रतिमाह वेतन और 3000 प्रतिमाह तौलिया सैनिटाइजर साबुन खरीदने के लिए दिया जाएगा। बता दें, प्रमुख के इस कदम से अधिवक्ताओं में काफी खुशी दिखी। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पन्नालाल ने कहा, तहसील निजामाबाद में नेता कई आते हैं, लेकिन इसरार अहमद जैसा नेता कोई नहीं। बता दे, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद लॉकडाउन में गरीबों के लिए लगातार राशन वितरण करते दिख रहे थे। सराहनीय कदमों से लगातार इसरार अहमद सुर्खियों में बने रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजमगढ़। आज नवरात्रम का पहला दिन है। मैं सभी अपने साथियों को, वकील साहिबान लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आज इस पवित्र दिन पे एक योजना चली है, सामुदायिक शौचालय। जिला मुख्यालय में मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने प्रपोजल रखा था कि जो ना हमारी तहसील में भी बन जाए तो बेहतर रहेगा, तो उस पर सहमति डीएम साहब और सीपीओ साहब ने जताया था कि पब्लिक प्लेस पे बनना है, तहसील में भी पब्लिक रहती है जी। उसी संबंध में मेरी वार्ता हुई थी, उसी को मैं देखने आया था। तो हमारे वर्तमान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राय साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष हमारे जो है आदरणीय पिता समान पन्नालाल जी हैं, मंत्री हमारे परवेश भाई हैं, और हमने कमलेश भाई, मुन्ना भाई, सभी लोग हमारे जो सभी लोग परिचित हैं, कोई हमसे अपरिचित कोई नहीं है। तो इन लोगों ने वहाँ पर मौका निरीक्षण कराया, मुरली मौर्या जी हैं, इन्हीं के माध्यम से मैंने खबर भी भेजवाया था, तो देख लिया गया है और बहुत जल्दी इसका काम जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। किस तरह बनेगा सामूहिक शौचालय, किस मतलब कितना लागत इसमें आई है लमसम? वो लगभग 5,71,000 रुपये का होगा। उसमें दो पुरुष रहेगा, दो महिला रहेगी, और बाकायदा इसका मकान बनेगा और उसमें सबर सेबुल भी रहेगा। और सरकार की जो मंशा है उसमें एक आदमी की नियुक्ति का, एक आदमी नियुक्त भी किया जाएगा। अच्छा अच्छा। जिसकी तनख्वाह कुल 9,000 रुपया होगी, जिसमें से 6,000 उसकी तनख्वाह होगी, 3,000 रुपया सैनिटाइजर, तौलिया, साबुन की सर्विस लिए और निकाल उतार लेके सफाई के लिए होगी। तो हमारा प्रयास है कि एक तहसील में बन जाए, पूरा प्रयास रहेगा कि बन जाए। ये जैसे मान लीजिए यहाँ तो काफ़ी शौचालय बने हैं तहसील में, ये क्या अलग से वकील लोगों के लिए रहेगा या पूरा समूह जनता के लिए रहेगा, कैसे रहेगा? देखिए, इंसान तो तमाम है जी, यहाँ वकील लोग भी तमाम है जी, और अधिकारी भी लोग आते जाते हैं, लेकिन अब उस पर किसी वकील में से किसी वकील की बहुत चलती है, वहाँ बहुत भीड़ होती है जी। कुछ लोग भाई बेचारू अपना वक्त काट रहे हैं, इसी तरह नेता भी बहुत हैं, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग सेवा दे रहे हैं। उसी तरह से शौचालय भी हमारे यहाँ जो तहसील में बना है उसी पोजीशन का है। इसका लुक होना चाहिए, मौका होना चाहिए कि कहाँ यूज होगा जी। जो बना है मतलब मिला जुला के सार्वजनिक बन रहा है, सारे लोग यूज करेंगे, महिला का अलग रहेगा, पुरुष का अलग रहेगा, दोनों लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे जो तहसील में बना है मेरे समझ से वो एक तरफ होने के नाते यूज भी नहीं। ठीक, हम लोग इस कार्योजना से प्रमुख जी की जो ये जो कार्ययोजना है जो लेकर आए हैं मोदी जी, इससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं जी। इसे समाज का और क्या नाम है वकील वर्ग का, आम जनता का हित जुड़ा हुआ है और सफल रहेगा। मीडिया के आप दोनों साथियों का मैं बाल संघ की तरफ से, अधिवक्ता समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, निजामाबाद तहसील पूरे जिले की नंबर एक की तहसील है और अधिवक्ता यहाँ का भी पूरे जिले का नंबर एक का अधिवक्ता है। इतनी बड़ी एकता, इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी ताकत कहीं आप नहीं पाओगे। जो भी लड़ाई लड़ते हैं, चाहे जिले का मामला हो, चाहे हमारे तहसील स्तर का मामला हो, हम लांग बंद होकर के इस तरह की लड़ाई लड़ते हैं कि सफलताएं हमारे साथ रहती हैं। भाई इसरार अहमद जी, प्रमुख रानी की सराय, मुझे वो जमाना याद आता है
जब तबत ब्लॉक में पूरे ब्लॉक की गोविंदपुर सेखोलिया प्राथमिक पाठशाला पर रैली का कार्यक्रम चल रहा था पूरे ब्लॉक का, मैं उस रैली का उद्घाटन करता था और उद्घाटन में करने जा रहा था। उस समय प्रमुख जी लाल लश्कर से वहां पहुंचे, मेरा वहां परिचय हुआ और सारे साथियों ने आपके नाम की जय जयकार किया। बाबू इसरार अहमद जी ऐसे प्रमुख हैं जिनका पूरे प्रदेश में नाम है और आज तहसील में आपने अपना नाम रोशन किया है। सही है, जो शौचालय आपने दिया है वह अधिवक्ता हित जनहित को देखते हुए आपने दिया है। बहुत से नेता आते हैं चले जाते हैं, कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन एक समाज के अंदर वही व्यक्तिमान होता है जो जनहित को देखता है, अधिवक्ता समाज के हित को देखता है और अधिवक्ता समाज के हित को देखते हुए सारे बात कार्यों के हित को सोचते हुए अगर काम करता है वही समाज का अग्रणी होता है। जमाना उसे याद करता है और आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे लोगों को याद करती है। इतिहास के पन्ने को आप पढ़ेंगे। प्रमुख जी का कहना है आज जगह जगह चर्चा चल रही कि इस बार ही प्रमुख रहेंगे, अगली बार से प्रमुखी का चुनाव नहीं लड़ेंगे और इस बार उनका दावेदारी विधायकी की तरफ है, तो क्या आपका वकील संघ उनके सहयोग में रहेगा? मैं एक बात कह देना चाहता हूँ जी, प्रमुख जी विधायक का पद तो लड़ेंगे ही, इनकी दिली इच्छा है और जनता की इच्छा भी है। आज बता दे रहा हूँ अधिवक्ता समाज भी इनके दाहिने रहने वाला है। आज भी चुनाव होगा, मैं तो पहले भाषण दिया हूँ, पूरी जनता आपके साथ दिल जोड़ के रहेगी। मैं देख रहा हूँ जो आज हवा चल रही है पूरे क्षेत्र इलाके में, हर जगहों पर इनका नाम है। इतना ही नहीं, इन्होंने आप देख रहे थे जो महामारी का प्रकोप चला था पूरे जिले में, बढ़ करके इन्होंने जितना बड़ा हिस्सा लिया, किसी ने नाम लिया कहीं? इतना बड़ा काम कोई कहीं किया? गरीबों के साथ जाकर के बैठ करके भोजन बांटने का, पैसा बांटने का, असहायों को मदद करने का काम जो इन्होंने किया, ऐसे कम बिल्ले लोग मिलते हैं, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ कि यानी कि इनके हिसाब से कोई मिलेगा नहीं। कोई कहता है हम